जबलपुर में कार हटाने के लिए कहा तो टूट पड़ा होटल मालिक, वेटर से भी पिटवाया, लड़की के बाल खींचे। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में होटल मालिक ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर हाई कोर्ट के जूनियर एडवोकेट और उसकी बहन की पिटाई कर दी। होटल मालिक ने दोनों को बीच रोड पर पीटा, लड़की के बाल खींचे और धक्का देकर गिरा दिया। एडवोकेट ने अपने घर के सामने खड़ी कार को हटाने के लिए कहा था। घटना शुक्रवार की है, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मदन महल पुलिस के मुताबिक हाई कोर्ट में जूनियर एडवोकेट पुष्पल कुमार पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वियनपूर्णा होटल के बगल में नेपियर टाउन में किराए से रहते हैं। उनके कमरे में जाने वाले गेट के सामने होटल मालिक मनोज उर्फ मनु तिवारी ने कार पार्क की थी। पुष्पल ने कार हटाने के लिए कहा, इस बात पर मनोज गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना करने पर मारपीट करने लगा, वेटरों को बुलाकर उनसे भी पिटवाया। एडवोकेट की बहन बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की, उसे बाल पकड़कर पीटा। दोनों भाई बहन को चोटें आई हैं, मारपीट में उनका मोबाइल भी टूट गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने होटल संचालक मनोज तिवारी, उसके दोनों वेटरों सौरभ कश्यप और सौरभ विश्वकर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। खबरदार न्यूज।